न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सेंटर ड्यूज कॉलेज में मेगा लीगल एंड कैंप सहायता शिविर का किया गया आयोजन। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने कहा, इस प्रकार के कार्यक्रमों से लोगों को जागरूक करने में मिलती है मदद। गौकशी के आरोपी 10,000 के इनामी बदमाश को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ कोतवाली ने बताया, पशुओं को बिहार के रास्ते बंगाल ले जाने की फिराक में था आरोपी। भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के तत्वाधान में आयोजित हुई कार्यशाला व कृषि संयंत्र वितरण कार्यक्रम। गोरखपुर और बस्ती मंडल के किसानों को वितरित किए गए 703 कृषि संयंत्र। अवैध देशी शराब के धंधे में लिप्त एक व्यक्ति को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 102 शीशी शराब बरामद, सीओ कोतवाली ने किया खुलासा। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स और ऑल इंडिया यूनियन बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवाशीष घोष ने कहा, विभिन्न समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं बैंक कर्मी, सम्मेलन में होगी समस्याओं के निराकरण पर चर्चा। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई बैठक, सपा सांसद प्रवीण निषाद के ऊपर हुए लाठीचार्ज पर की गई चर्चा। डॉक्टर अशोक नागर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बीजेपी एनजीओ प्रकोष्ठ की बैठक, जिलों में कम से कम 25 एनजीओ संगठन को भाजपा से जोड़ने के दिए निर्देश। नवनियुक्त सहायक अध्यापकों की हुई काउंसलिंग, दिए गए नियुक्ति पत्र। बीएसए ने बताया, 125 अभ्यर्थियों में से 115 को दिए गए नियुक्ति पत्र। लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति गोरखपुर क्षेत्र एवं लोकसभा स्तर पर होने वाले भाजपा के सातों मोर्चों के सम्मेलनों के प्रमुखों की बैठक हुई संपन्न। चुनाव के दौरान होने वाले सम्मेलनों को सकुशल संपन्न कराने की बनी रणनीति। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर में आउटसोर्सिंग से तैनात पैरामेडिकल स्टाफों ने 2 घंटे का किया कार्य बहिष्कार। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता ने कहा, उच्च अधिकारियों को करेंगे सूचित। और लाज नागेंद्र नंबर 348 और गोरखपुर विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ हेल्थ जागरूकता कैंप। छात्राओं के हेल्थ का निःशुल्क चेकअप कर दी गई दवाइयां।